हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा, आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स के हित वसंत पाठ्य पुस्तिका से गद्य खंड की एक कहानी। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट की थी, जिसका शीर्षक है टिकट एल्बम। ये कहानी विधा में लिखी गई है और सुंदरा राम स्वामी जी ने ये लिखी है। तो यहाँ पर इस कहानी में दो लड़के होते हैं जो कि स्कूल के बच्चे हैं, और पहला जो पात्र है इसमें वो राजप्पा है और नागराजन है। तो यहाँ पर जो, जैसा कि आपको शीर्षक में ही दिखाया है कि टिकट एल्बम, एल्बम में हम अपनी चीजों को रखते हैं, अपनी फोटोज वगैरह को रखते हैं। और यहाँ पर एल्बम किस चीज का है? टिकट का, यानी कि जो अलग अलग देश के जो टिकट होते हैं सभी जानते हैं, तो उन टिकट्स का एल्बम बनाया गया है। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो पहले राजप्पा था, वो जो है एक एक करके जो टिकट है उसको कलेक्ट करके उसने एक एल्बम बनाया हुआ था। यहीं पर इसके साथ जो क्लास में या स्कूल में आप कह सकते हैं, एक दूसरा बच्चा है राजप्पा, नागराजन, ठीक है। अब नागराजन के पास भी उसके मामा जी ने उसे सिंगापुर से एक एल्बम जो है पार्सल में भेज दिया है। अब क्योंकि वो सिंगापुर से आया है, तो एल्बम बड़ा आकर्षित है, बड़ा क्रिएटिव ढंग से वो बनाया गया है। और अब जो है, क्योंकि पहले राजप्पा की बड़ी पूछ थी कि उसके पास बहुत बड़ा एल्बम है, बहुत सारे उसके पास टिकट हैं, लेकिन अब क्योंकि नागराजन का जो एल्बम है वो सिंगापुर से आया हुआ है, तो बहुत सुंदर तो होगा ही। सभी बच्चे उसको घेरते हैं, यहाँ तक कि उसके घर भी जाया करते थे, और लड़कियां उससे एल्बम मांगती थी और वो लड़कियों को एल्बम दे करके फिर जो है वापस वो लौटा देते थे। इस प्रकार से ये सिलसिला चलता आ रहा था। और एक दिन क्या हुआ, जब सभी बच्चे राजप्पा को चिढ़ाने लग गए, इस पर जो है कृष्णन नाम के एक लड़के ने राजप्पा को चिढ़ाया, जिससे वो जो है थोड़ा सा चिढ़ गया था, ठीक है। और चिढ़ने की वजह से वो जो है राजप्पा नागराजन के घर में चल, रात को वो, शाम को वो चला गया। जब वो वहां जाता है, वहां से वो उस एल्बम को घर लेके आता है, ठीक है। अब एल्बम जब वो घर लेके आता है, तो उसकी बहन उसे देख लेती है, क्योंकि वो बहन से बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उस एल्बम में क्या लिखा था। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, यानी कि जो नागराजन का एल्बम था उसके पहले ही पृष्ठ पर क्या लिखा था, AM नागराजन, और क्या लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ठीक है। ये लाइनें लिखी हुई थी उस एल्बम के फ्रंट पेज पर। अब इसमें लिखा है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, और जब तक घास हरी है, कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, ठीक है। लड़कों ने इसे अपनी एल्बम में उतार दिया। तो इन्हीं लाइनों को सभी लड़कों ने अपनी एल्बम में उतार दिया, और लड़कियों ने अपनी नोटबुक पर और बुक पर उतार दिया। अब जो है यहाँ पर राजप्पा है वो चिढ़ जाता है, वो क्या कहता है, तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकल सी कहीं की। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, घुड़की दी, सब चुप रहे और कृष्णन से नहीं रहा गया। तो कृष्णन नाम का जो लड़का है वो इसको क्या करता है, और चिढ़ाता है, किसको, राजप्पा को। जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का, तो कृष्णन ने क्या कहा, जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, तेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। वो क्या कहता है कि मेरा जो एल्बम है वो नागराजन के एल्बम से कहीं बड़ा है, मैं क्यों जलूं, जले तेरा खानदान। इस प्रकार की बातें करता है राजप्पा ने शान बधाई, ठीक है। अब आगे देखिए, अरे उसके पास जो टिकते हैं वह है कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ कृष्णन ने छेड़ा, फिर कृष्णन ने उसको छेड़ा कि क्या तेरे पास, तू कहता है तेरे पास बड़ा एल्बम है, क्या तेरे पास वो टिकट है जो इसके पास है, नागराजन के पास। अब कहता है कि चल एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा। अरे पानी भरोगे, कृष्णा ने उसे फिर छेड़ा, पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास। तो इस पर राजप्पा ने फिर से उसको ललकारा, क्या कहा, जो टिकट मेरे पास है उसके पास कहाँ है, इसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी जो है कम नहीं था, ठीक है 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा, हाँ हाँ कूड़ा है, जैसे लड़के लड़के जैसे कोरस गाने लगे, यानी कि सभी लड़के जो है उसको बोलने लगे, किसको, राजप्पा को, कि तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, जो कि पहले उसी एल्बम के पीछे लगे रहते थे, उसी एल्बम को देखा करते थे। अब राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है,
उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरी है। सिंगापुर से आए इस पार्सल ने नागराजन की एक ही दिन में नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन क्या कर रहा था, उड़ रहा था, ठीक है, उड़ रहा था, ठीक है। अब स्कूल जाना अब उसको खलने लग गया था और लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी थी। आम तौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में रात को लेट जाता था। सहसा वो क्या करता था, टिकट की खोज में लगा रहता था, परंतु अब घर घुसा हो गया था, घर में ही वो रहा करता था। आगे यहाँ पर क्या लिखा है, दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता। सहसा जाने क्या सोचकर उठता और ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। यानी कि उसे अपने ही काम पर एक प्रकार से संदेह होने लग गया कि क्या सच में मेरा टिकट जो एल्बम है वो कूड़ा है, ठीक है। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है, यानी कि वो अपने ही कार्य पर संदेह करने लग गया। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सही, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाए। अब फिर जो है वो अपने को ही क्या कर रहा है, सांत्वना दे रहा है कि उसने जैसे तय कर लिया है कि वह नागराजन के घर गया और अब कोई कितना अपमान सहे, क्योंकि उसको जो है अपमान बार बार उसका हो रहा था नागराजन की वजह से। क्या कहता है, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें क्या करेगा, टरका करके उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। अब क्या वो क्या सोच रहा है कि वो नागराजन से भी जो है अच्छे अच्छे टिकट जो है, जो फालतू टिकट है वो उसको दे देगा और उसको भी वो क्या कर देगा, टरका देगा, यानी उसको भी वो बेवकूफ बना देगा। तो किसी ने नहीं, अच्छा उसको भी वो टरका लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया था, किसने, राजप्पा ने, क्योंकि उसने बहुत सारे टिकट जो है एल्बम बनाई थी, तो एल्बम में कितने सारे टिकट उसके पास होंगे। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, नागराजन भला किस खेत की मूली है। अब जो है राजप्पा सोच रहा है कि मैंने कितनों को तो बेवकूफ बना दिया है, अब ये नागराजन जो है किस खेत की मूली है, इसको भी मैं टरका लूंगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। अब जो है वो कहाँ पहुंच गया, नागराजन के घर। अब गया तो वो किस लिए था, उससे और टिकटें लेने के लिए। लेकिन आगे देखिए क्या होता है, चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था तो किसी ने नहीं टोका, क्योंकि वो उसके घर में जाया करता था। अब जिसके घर में हम रोज जाते हैं तो वो हमें नहीं टोकेंगे, कहाँ जा रहे हो, क्योंकि दोस्त हैं बच्चों के। तो वो जो है उसको किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। अब वहां पर नागराजन तो था नहीं, उसकी बहन ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा। अब उसकी बहन ने क्या कहा है कि मेरा भैया जो है शहर गया हुआ है। अरे अब उसको याद आता है एकदम से, अरे हाँ तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी, उसने हाँ भी नहीं कहा, उसने क्या कहा, बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है, तुमसे किसने कहा। अब राजप्पा ने उसे क्या पूछा, तुमसे किसने कहा, कह रही, उसने कहा भैया ने, वह तो कूड़ है, कूड़ गया, ठीक है, बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ दिख रही थी, यानी कि वो चिढ़ गया फिर से, ठीक है। कामाक्षी कुछ देर तक वही रही और फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले में को खींच कर देखा तो बंद था, क्यों ना उसे खोल कर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। चिड़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा और फिर जल्दी से दराज खोला। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था तो पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल जो है तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे उसने खोस लिया, ठीक है, और दराज बंद कर लिया। चिड़ियां उतरकर घर की ओर भागा और घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर जो है एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा उसका तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई।
सुना तुमने नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा, उसने अप्पू को किसी तरह टाला। अब उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। अब देखो, क्योंकि जब आप कोई गलत काम करते हो ना, तो आप जो है जो भी करते हो आपका चेहरा ही अलग हो जाता है। तो यहाँ पर राजप्पा की भी वही हालत है, क्योंकि उसने गलत तरीके से उसका एल्बम लेके वो अपने घर आया था, तो जो भी आ रहा था उसे डर ही लग रहा था। रात में वो जो है रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था, क्योंकि डर के मारे उसका पेट भरा हुआ था। सारा घर जो है चिंतित, सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे उसने रख कर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया, राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा हुआ था। तो अप्पू जो है रात को इतनी बात कहकर वो चला गया। अब सुबह वो दोबारा आता है। अब देखिए, अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। अब जो है इस बार वो नागराजन के घर से आया। कल तुम उसके घर गए थे, उसने प्रश्न किया। किससे? राजप्पा से। किसने? अप्पू ने। अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले, उसने क्या बात कही, वो जैसे चाहे सोच ले। अब अप्पू ने क्या कहा, कल रात से नागराजन जो है, कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला, राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगेंगे। अप्पू ने क्या कहा कि जब हम शहर गए हुए थे, उसकी बहन यानी कि नागराजन की बहन कामाक्षी ने क्या कहा कि जब वो शहर गए थे वहां पर सिर्फ तुम आए थे। अब उसको ये पता चल गया कि सबका शक मुझ पर ही है, ठीक है ना। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, अप्पू जो है बात बता रहा वहां पर, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे, अप्पू ने फिर कहा। अप्पू जो है उसको एक प्रकार से डरा रहा है ना। तो राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। अब वो उसको और डरा रहा है कि उसके पापा जो है डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। अप्पू यहाँ पर जो है, क्योंकि वो पहले से डरा हुआ था, क्योंकि उसने एल्बम लिया था और शक भी उसी की तरफ थी, और अब जो है वो पुलिस का भी उसको जो है क्या कर रहा था, डरा रहा था पुलिस क्या की बात कहकर। अब यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना, यानी कि वो और बातें उसको और डराता इससे पहले अप्पू का भाई आया और अप्पू को अपने साथ लेके चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए और बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांगल खटकी। सांगल का मतलब होता है चिटकनी जो होती है, उसको सांगल कहा जाता है। पुलिस राजप्पा बुदबुदाया। अब उसके डर मन में इतना डर बैठ गया कि उसने सांगल बाहर दरवाजे के बाहर देखा भी नहीं, और उसको जो है अपने मन ही मन अपने अंदर ही अंदर वो क्या कहने लग गया कि पुलिस आ गई, क्योंकि बहुत डर गया था वो। भीतर सांगल लगी थी, दरवाजा खटक खटखट खटकने की आवाज तेज हो गई, यानी कि और तेज से दरवाजा खटकने लग गया। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया, क्योंकि रात को ही उसने एल्बम तकिए के नीचे रख दिया था, और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे, नहीं नहीं पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा, है ना। वो क्या सोच रहा है कि पुलिस आ गई है। उसने क्या कहा, कहाँ छुपाऊं, तो ऐसे कह रहा है कि अलमारी के पीछे, फिर खुद ही कह रहा है नहीं, पुलिस ने अगर देखा या तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया और बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है, अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता, अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई और अम्मा खुद ही उठकर चली आई, ठीक है। अब राजप्पा जो है पिछवाड़े की ओर भागा, जल्दी से बाथरूम में घुस गया, घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी, उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा, कितने प्यारे टिकट थे। अब खुद ही उसको जो है बड़ा दुख हो रहा है, जब वो टिकटें जो है जल रही हैं, तो क्या खुद ही क्या कह रहा है, कितने प्यारे टिकटें थी टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब जो है वो, क्योंकि उसने एल्बम जो है पूरा अंगीठी में डाल दिया था, तो उसको खुद भी बड़ा दुख हो रहा था,
राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने उसको पूछा कि तुमने कहाँ रखा था। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए और राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फपक फपक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया और 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। यानी कि वो नीचे गया और इतनी ही जल्दी वो ऊपर भी आ गया। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। किसका? राजप्पा अपना एल्बम अब लेके आ गया। यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। अब राजप्पा ने अपना एल्बम किसको दिया? नागराजन को। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। नागराजन उसको बड़े आश्चर्य से देखता है कि ये क्या बात कर रहा है। पहले तो इसने जो है सरपंच के बच्चे को, बेटे को 25 रुपए में भी अपने एल्बम देने को तैयार नहीं था, और आज ये मुझे फ्री में दे रहा है। बहला रहे हो यार, नागराजन को जैसे यकीन नहीं हुआ। अब नागराजन क्या कह रहा है कि तुम मुझे बहला रहे? नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। तो अब जो है राजप्पा उसको कह रहा है कि नहीं, मैं सचमुच में तुमको दे रहा हूँ। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है? नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। नागराजन जो है बड़ा आश्चर्यचकित से देख रहा है, ये कैसे हो सकता है। पर राजप्पा अपनी बात जो है बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। किसका? राजप्पा। ठीक है, अब यही प्रश्न मैंने आपको कल की क्लास में पूछा था कि वो उसको अपना एल्बम क्यों दे रहा हो, जबकि उसको तो चिढ़ आई थी कि नागराजन के एक एल्बम ने उसके एल्बम की कीमत कम कर दी थी। उसके एल्बम की जो वैल्यू है, जो वो पहले लोग उसे पूछा करते थे, अब जो है नागराजन के एल्बम आने के बाद राजप्पा का जो एल्बम है वो जो है थोड़ा सा क्या हो गया था, उसके कोई पूछ नहीं रहा था। अब जो है वो अपना एल्बम उसे क्यों दे रहा होगा? ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? अब इस पर जो है नागराजन ने क्या कहा कि ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, लेकिन तुम क्या करोगे? अब इस पर राजप्पा ने क्या कहा? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? तब इस पर नागराजन क्या कहता है कि तुम कह रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए, पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के? रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को, तू ही रख ले। अब वो जो है क्या कर रहा है, वो दे तो रहा है लेकिन उसे रोना भी आ रहा है। अब नागराजन क्या कहता है कि रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को, तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला, नागराजन क्योंकि वो जब उसको दे रहा था तो क्योंकि उसने मेहनत तो बहुत की थी एल्बम बनाने में, ठीक है ना, एक एक टिकट करके उसने क्या किया था, बनाया था वो एल्बम, ठीक है। उसने क्या कहा, रोता क्यों है भाई, इसको तू ही रख ले। कौन बोला? नागराजन बोला। अब देखो, नहीं तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। अब वो जो है चीखा भी, उसने क्या कहा, नहीं तुम ही रख लो, और वो क्या कह रहा है कि ले जाओ इसको यहाँ से, जल्दी से ले जाओ इसको, ठीक है ना। अब इस पर जो है नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। उसको कुछ समझ नहीं आया कि क्यों ये मुझे अपना एल्बम दे रहा है, लेकिन उसने एल्बम ले लिया और वो नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर गया, क्योंकि अपनी इतनी प्यारी चीज जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी, तो उसे रोना भी आ रहा है और अपना मुंह भी वो पोंछ रहा है। आंखें पोंछ कर राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। अब जो है नागराजन ने उसे क्या कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो नीचे उतरने लगा। सुनो राजू, अब इस पर उसने क्या कहा, सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दूं मैं आज? रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। अब इस पर जो है किसने कहा, राजप्पा ने उसे पुकारा कि आज रात मैं इस एल्बम को जी भर के देखना चाहता हूँ और कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया।
राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया, क्योंकि कल उसके एल्बम को उसने नागराजन को देना था। और इसी के साथ आपका ये जो ये कहानी है वो समाप्त तो होती है। अब देखिए इस कहानी में जो है हमें ये कहानी से क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं। देखो सबसे पहले राजप्पा ने अपना एल्बम नागराजन को क्यों दिया, जबकि पहले जब उसको उसकी कीमत भी दी जा रही थी तब भी उसने क्या कहा, मैं इसको किसी भी हालत में मैं नहीं दूंगा, यानी कि वो नहीं दे सकता था, लेकिन अंतिम समय में उसने किसको दे दिया, नागराजन को। क्यों? क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास था कि उसने जो है कहीं ना कहीं गलत काम किया है उसका एल्बम जला करके। ठीक है, तो उसने जो है सबसे पहली जो शिक्षा है, हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी चाहे किसी चीज की भी हो, हमें हम किसी से बिना बताए कोई चीज ले रहे हैं तो वो चोरी ही है। तो हमें जो है कभी भी बिना बताए कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। अगर राजप्पा इस प्रकार के काम नहीं करता तो आज उसे अपना एल्बम नहीं देना पड़ता। दूसरी बात यह है कि उसने अपनी गलती का उसे एहसास था और उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए, क्योंकि उसे भी दुख हुआ था कि उसने इतना सुंदर एल्बम जो है जला दिया अंगीठी में, तो उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए नागराजन को अपना एल्बम दे दिया। कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है गिल्ट फील हुआ, क्योंकि अगर वो एक बार के लिए मना भी कर देता तो शायद जो है, क्योंकि वो एल्बम तो जल चुका था, उसके पास नहीं मिलता, पुलिस आ भी जाती तो उसका जो एल्बम है उनको नहीं मिलता। ठीक है, और शायद राजप्पा नहीं फंसता, लेकिन उसको अंदर से गिल्ट फील हुआ, उसको एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है और उस गलत की सजा जो है मुझे, उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए राजप्पा ने नागराजन को अपना एल्बम दे दिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है इसी के साथ ये जो कहानी है ये आपकी खत्म हो जाती है। अब इसके जो प्रश्न उत्तर है उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से प्रश्न है। तो देखिए एल्बम में नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था और क्यों लिखा था, इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के और लड़कियों पर क्या हुआ, सभी जानते हैं। ठीक है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन में क्या दशा हुई, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था, ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की थी है? क्योंकि जिस प्रकार से मधुमक्खी क्या करती है, एक एक फूल में जाकर के वहां से क्या करती है, वो शहद को इकट्ठा करती है, ऐसे ही उसने बड़ी मेहनत करके जो है वो एल्बम बनाया था। अब कहानी से आगे कुछ प्रश्न हैं। टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजें भी जमा करते हैं, सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है और उनके नाम लिखना है। तो कहानी से आगे देखो, जैसे कि राजप्पा ने जो है क्या किया था, टिकटें जमा की थी, ऐसे ही सिक्के जो है और चीजें आप जमा क्या क्या कर सकते हो। जैसे टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े जो हैं दूसरी चीजें भी जो है जमा करते हैं। जैसे पुराने सिक्के हम रख लेते हैं, है ना, और जो कई बार जो है क्योंकि वो बहुत पुराना हो जाता है तो वो जो है बहुत कीमती हो जाता है हमारे लिए। तो इसी तरह से कुछ और चीजें भी आपको सोचनी है और उनको आपने लिखना है, उनके नाम भी आपको बतानी है। टिकट एल्बम का शौक शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है, तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे। अब देखिए ये प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के पास क्या थी, टिकट एल्बम थी, नागराजन के पास भी और राजप्पा के पास, दोनों में क्या फर्क था। फर्क इतना था, राजप्पा ने अपना जो टिकट एल्बम था वो बड़ी मेहनत से उसको बनाया था, वो जानता था एक एक टिकट की क्या कीमत है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि नागराजन को तो वो पार्सल में गिफ्ट में मिला था, बना बनाया टिकट एल्बम उसको मिला था। तो देखो हमें जो है कोई भी आपका शौक है, चाहे वो आप किसी चीज का भी हो सकता है, आपको अपना शौक जब आपको पूरा करना है तो आप उसको मेहनत करेंगे, मेहनत से बनाएंगे, और मेहनत से की हुई चीज का हमें आपको क्या होता है, उसका आपको एक्सपीरियंस भी होता है, साथ ही साथ आप उसके मूल्य को भी जानेंगे। तो कोई भी चीज जो है आपको फोकट में नहीं लाने की कोशिश करनी चाहिए, आपको मेहनत करके उस चीज को अपने शौक को पूरा करना चाहिए। जिस प्रकार से राजप्पा ने अपना एल्बम बनाया था, ऐसे ही आपको भी अपने शौक को पूरा करने के लिए
शॉर्टकट मेथड नहीं अपनाना चाहिए, आपको मेहनत करना चाहिए। मेहनत जो कि राजप्पा किया करता था, अपने एक एक टिकट एल्बम को उसने बड़ी मेहनत से उसने जो है कलेक्ट करके रखा हुआ था। तो हमें यहाँ पर राजप्पा का जो मेथड है, जो उसका तरीका है, वही हम अपनाएंगे। ठीक है, किसी की दी हुई चीजों को उससे जो है हम अपना शौक पूरा नहीं कर सकते हैं। कर भी लेंगे तो आपको वो एक्सपीरियंस, वो मजा आपको नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इकट्ठा किए हुए, आगे प्रश्न है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर आपको लिखना है। किस प्रकार से, देश के आधार पर हो सकता है, उसके रेट के आधार पर हो सकता है, और आपको मेथड सोचने हैं और उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद देखिए, कई लोग चीजें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं, इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होगी, होती होगी, सोचो और उसे अपने दोस्तों से जो है इस प्रकार पर, इस पर बातचीत करो। तो ये प्रश्न आपको खुद से करने हैं, क्योंकि ये कहानी से आगे हैं। अब यहाँ पर कुछ और प्रश्न होते हैं, जैसे आपके अनुमान और कल्पना, आपको अनुमान लगाना है और कल्पना करनी है। जैसे राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है, राजप्पा जो है एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है, और अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत में कुछ फर्क पड़ता कैसे। तो यहाँ पर इस प्रश्न में आपने कल्पना करना है और अनुमान भी आप लगा सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता था कि यदि राजप्पा ये कहता नागराजन को कि मैंने तुम्हारा जो एल्बम है वो जला दिया है, तो उससे क्या फर्क पड़ सकता था, उसको पनिशमेंट मिल सकती थी, उसको पुलिस उसके जो है साथ गंदा बर्ताव कर सकती थी, या फिर उसको जो है दुनिया में या संसार में जो भी उसकी क्लासरूम में है जो बच्चे हैं उन सबके सामने उसे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ सकती थी। हालांकि जब उसका पता चला कि नागराजन जो है बड़ा दुखी है, वो डर भी गया था, उसने अपनी गलती को सुधारा और अपना मेहनत से जो बनाई हुई एल्बम को उसने नागराजन को दे दिया था। तो इसमें जो है आप अपने हिसाब से, अपने दिमाग से और अनुमान लगा सकते हैं और कल्पना आप कर सकते हैं, क्योंकि कहानी है तो इसमें आप अपनी कल्पना भी इसमें जोड़ सकते हैं। कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे, वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते थे, अपने शिक्षक को बताओ। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको सभी को बताने हैं। ठीक है, तो कहानी यहाँ पर शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो और स्वयं सोचकर आपको इसके वाक्य बनाने हैं। ये प्रश्न आपको खुद से करने हैं, जैसे आपका सोखना, जमघट, टटोलना, कूढ़ना और ठहाका, अगुआ और पुचकारना, खलना, हेकड़ी और तारी। ठीक है, आइए कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर आपको बताते हैं, बाकी जितने प्रश्न रह जाते हैं उनको आप कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न, हमने इसे पहले भी पढ़ा, क्या था पहला प्रश्न, पहला प्रश्न था कि नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों, इसका असर जो है कक्षा के दूसरे लड़के और लड़कियों पर क्या हुआ। ये तो आप अपनी कहानी से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न यहाँ पर आपके जो प्रश्न हम कर लेते हैं। देखिए, एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, क्या लिख भेजा था, ए एम नागराजन, इस एल्बम को चुराने वाला क्या है, बेशर्म है। ऊपर लिखे, अब इसको आप कहानी से भी लिख सकते हैं, इससे ना भी लिखें, आप कहानी पढ़िए और वहां से आप लिख सकते हैं। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है और जब तक घास हरी है, कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम जो है, के लिए यह एल्बम क्या है, मेरा है। ठीक है, रहेगा, ऐसा करने से एल्बम कोई नहीं चुराएगा, इसके असर से जो है क्लास के सारे लड़के लड़कियों ने यह वाक्य अपने अपने एल्बम व किताबों में लिख लिया था। ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ा, और जो बच्चे थे उन्होंने भी सेम चीजें अपनी नोटबुक में लिख डाली थी।
अपनी किताबों में और जिनके पास कुछ औरों के पास जो एल्बम थी उन एल्बम में भी उन्होंने लिख डाला था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप जल्दी से लिखिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। अब ये प्रश्न हम इससे पहले हमने देखे हैं। तो जब नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? जब नागराजन का एल्बम आया तो राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? तो जब उसका मन जो है क्या हो गया, बूढ़ा रहता था, यानी वो दुखी रहता था, उसे अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था, उसे जलन हो रही थी। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख लेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? जब उसने एल्बम चुराया तो किस मानसिक स्थिति से वो गुजर रहा था? एल्बम का जो पहला पृष्ठ पढ़कर उसका दिल जैसे तेजी से धड़कने लगा। अभी अभी हमने पढ़ा था गद्य खंड में, इस कहानी में, कि जैसे ही उसने एल्बम का पहला पृष्ठ खोला और खोल करके उसको पढ़ा, उसको पढ़कर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम चुराते समय राजप्पा का पूरा शरीर जैसे जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। इस प्रकार राजप्पा ने एल्बम चुरा तो लिया, परंतु उसे बहुत ही दुखद मानसिक उसकी स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसने जो है क्या किया है, गलत किया है, इसलिए उसकी ये स्थिति हो गई है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें सबसे बड़ी शिक्षा तो यही मिलती है कि जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम खुद से ही डर जाते हैं, हम जो है हमेशा परेशान ही रहते हैं, गलत काम का जो नतीजा है वो गलत ही होता है। ठीक है ना, तो इससे जो है उसकी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत इस प्रकार की हो गई थी, वो खुद से जो है बहुत डर गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया था? ठीक है, जब उसे जो है अप्पू ने बताया कि उसके पापा जो है डीएसपी दफ्तर में काम करते हैं और एक इशारे में ही वहां पर पुलिस की फौज खड़ी हो जाएगी, और क्योंकि उसकी बहन कामाक्षी ने भी उसको देखा था, कामाक्षी ने बताया था कि आपके बाजार शहर जाने के बाद यहाँ पर राजप्पा आया हुआ था, तो उसको पता चल गया कि अब सारा शक मेरे ऊपर ही आएगा, इसलिए उसने अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से उसने कहा कि अब पुलिस आएगी और मुझे लेके चली जाएगी। तो उसने क्या किया, उसने अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से मारे जो है राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया। ठीक है, और अपनी गलती का को सुधारने के लिए उसने अपने टिकट एल्बम को, जो कि उसने इतनी मेहनत से बनाया हुआ था, उस टिकट एल्बम को उसने किसे दे दिया, नागराजन को दे डाला था। हालांकि उसे बहुत दुख हो रहा था उसे देते हुए, लेकिन उसने फिर भी अपना टिकट एल्बम किसको दे दिया था, नागराजन को, तब भी उसने अपना टिकट एल्बम दे दिया था। ठीक है, तो ये है 4 प्रश्न, और आगे की जो प्रश्न है उनको आप खुद से भी कर सकते हैं। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों करी होगी, क्यों करी थी, क्योंकि जो है जिस प्रकार से, क्योंकि मधुमक्खी जो है विभिन्न फूलों के रस को जो है इकट्ठा करती है, और उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर जो है अपना एल्बम तैयार किया था, इसलिए जो है यहाँ पर लेखक ने राजप्पा की तुलना मधुमक्खी से की थी। ठीक है, तो आगे के जो प्रश्न है मैं उम्मीद करती हूँ वो आप कर लेंगे, क्योंकि कहानी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, और इन प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इससे पहले आप घर में इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।